नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज इस लाइव सेशन में। वेलकम टू दी क्लास। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग क्लास नाइन्थ, चैप्टर नंबर 16, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। जस्ट लेट मी नो इन द चैट, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? क्या हम आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। परफेक्टली दिखाई सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो श्री गणेश करते हैं सिविक्स का। गणपति बप्पा मोरिया इन द चैट, ठीक है। मैं आज भूल ही गया, फर्स्ट लाइव सेशन में हम लोगों ने गणपति बप्पा मोरिया करा ही नहीं था, ठीक है, फाइन। चलिए कहानी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। सिविक्स में हम इस पूरे 10 दिन के सिलसिले में 3 चैप्टर करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिविक्स आधी कंप्लीट हो जाएगी आपके। तो ये जो चैप्टर है आज, अभी इससे पहले क्लास 10th का लाइव सेशन था। क्लास 10th के लाइव सेशन में मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि उनका जो सिविक्स का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, वो चैप्टर ऐसा था कि उसको मैंने बोला 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 5 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर समझ आएगा। ठीक वही 9th के सिविक्स के चैप्टर 1 में भी वैसे ही बोलता हूं, 5 से 6 टॉपिक बताऊंगा, उसमें पूरा चैप्टर बना हुआ है। क्या है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन भी बनता है, 4 क्वेश्चन भी बनते हैं। आर्ग्यूमेंट्स फॉर और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, ये वो सारी चीजें बस। आर्ग्यूमेंट्स फॉर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 3-4 टॉपिक छोड़ के चैप्टर से कुछ नहीं है और बस इतना ही है, ठीक है। तो वही चीज पर अगर हम फोकस करें तो आज का हमारा चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो राम राम भाई सारिया ने, आज हम शुरू करने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी वाली कहानी। फाइन, इंट्रोडक्शन में मैं अगर आपको बताऊं तो एक बार वही रूपरेखा पूरी दर्शा देता हूं चैप्टर की। आई एम परफेक्टली फाइन, ठीक है। 1, 2, 3, 4 वाला, ठीक है। अब सबके यहां पे अलग अलग रहता है, हमारे यहां 1, 2, 3, 4 वाला भी रहता है, ठीक है। तो शेयर दी सेशन, शेयर दी सेशन, देन विल स्टार्ट। फटाक से एक बार सेशन को शेयर कर लो। 10 दिन देना है तुम्हें, बस 10 दिन। 10 दिन में नहीं मायने रखता कौन कहां है, किसने कितना पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ा। 10 दिन में सब बराबर लेवल पे आएंगे, पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से फिर अपन वही मंथली रोड मैप के हिसाब से चलेंगे। तो हाफ ईयरली तो एक बहाना है, हाफ ईयरली की वन शॉट रिविजन सीरीज तो एक बहाना है। मुझे तो सबको एक लेवल पे लाना है, ठीक है। तो वो एक लेवल पे सब आ जाएंगे, फिर वहां से चीजें आसान रहेगी, ठीक है। चलो शुरू किया जाए। तो ये चैप्टर जो है, तो इसमें व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी चैप्टर। अब कहां जाना चाह रहा है ये, रुक जाओ जरा एक मिनट। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, अर्थक्वेक आया था क्या? नहीं आया होगा, ठीक है। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, अगर बात की जाए तो चैप्टर अपने आप में 2 पार्ट्स में बटा है। व्हाट इज डेमोक्रेसी एक पार्ट हो जाएगा और व्हाई डेमोक्रेसी दूसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी में हम डेमोक्रेसी को समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या क्या है, डेमोक्रेसी लपुसी नहीं है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे डिसीजंस उस व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं जो कि लोगों के द्वारा चुना गया है। लेकिन सिर्फ इस डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ इस डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी के साथ साथ में, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के साथ साथ में डेमोक्रेसी के फीचर्स को भी समझना होगा आपको, ठीक है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के साथ साथ में डेमोक्रेसी के फीचर्स को भी। तो 4 डेमोक्रेसी के फीचर बताए गए हैं चैप्टर में, और चारों फीचर में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक पाकिस्तान की कहानी, चाइना की कहानी, मेक्सिको की, जिम्बाब्वे की कहानी। तो चारों कहानी हम समझेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अब दूसरा पार्ट चैप्टर का देखें तो व्हाई डेमोक्रेसी, तो किसी भी चीज को चूज करने से पहले, कि मान लो कार,
तो वाई दिस कार, तो आप उसका प्लस और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखेंगे। तो वैसे ही क्या है कि वाई डेमोक्रेसी की जब बात होती है कि डेमोक्रेसी क्यों, तो आप डेमोक्रेसी के पॉजिटिव भी समझेंगे, डेमोक्रेसी के नेगेटिव भी समझेंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, मतलब डेमोक्रेसी के नेगेटिव्स क्या है, डेमोक्रेसी के पॉजिटिव्स क्या है। और लास्ट में इस चैप्टर में एक टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से इस पूरे कह सकते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर की रूपरेखा है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। शुरू की जाए अगर शुरू से, तो डेमोक्रेसी से अगर स्टार्ट करें तो क्या है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे रूलर्स जो है, ठीक है, जो निर्णय लेंगे, जो डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास जाएगी, उन लोगों को जनता के द्वारा चुना जाता है। अब देखो इस डेफिनेशन में से मैं बहुत सारे क्वेश्चन निकाल देता हूं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, डिक्टेटरशिप भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। कैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे रूलर्स को, तो क्या ये रूलर्स हेरिडेटरी होते हैं, ये रूलर कोई भी बन सकता है, कैसे बन सकता है, बहुत सारे सवाल है। आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बाय द पीपल, तो द पीपल में सिर्फ हमारे देश के या अमेरिका के भी, चाइना के भी, पाकिस्तान के भी, कौन होंगे द पीपल इलेक्ट करने वाले, और इलेक्ट करने वाले होंगे तो इलेक्शन कैसे होंगे, सिर्फ पढ़े लिखे लोग वोट देंगे, ठीक है, इलेक्शन बंद कमरे में होंगे या फिर ओपन टू ऑल होंगे। तो मल्टीपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन इज गुड टू स्टार्ट विथ, ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन से आप शुरू कर सकते हो कि हाँ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बट दिस डेफिनेशन इन इटसेल्फ इज हैविंग मल्टीपल क्वेश्चंस। इस डेफिनेशन में अपने आप में 1000 क्वेश्चन है, समझ गए, इस डेफिनेशन के अंदर अपने आप में 1000 क्वेश्चन है। तो हमें हर उस पार्ट को क्या करना है, डिकोड करते चलना है। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन टू स्टार्ट विथ और टू डिफरेंशिएट डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इट इज गुड कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब अगर हम बात करें फीचर्स की, तो डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स हैं, तो देखो चार फीचर्स ब्रॉडली बताए गए, चार कहानियां भी सुनाऊंगा, लेकिन चार पॉइंटर्स की अगर बात करें तो क्या है कि डेमोक्रेसी में रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू टेक मेजर डिसीजन, ठीक है। रूलर्स कौन, मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो व्यक्ति डेमोक्रेसी के अंदर चुना हुआ होना चाहिए, चयनित होना चाहिए, ठीक है, थ्रू इलेक्शंस अ फेयर एंड एंड चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटीज गिवन टू पीपल टू चेंज देयर करेंट रूलर। मतलब क्या है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जहां पे आज जो पावर में उसे बदला जा सके, इस चीज की पावर होना चाहिए जनता के पास में, ठीक है, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज क्या है, द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस, वन पर्सन वन वोट, ठीक है, इक्वल वोटिंग राइट की बात जो हो रही है। क्या डेमोक्रेसी में निर्णय वो ले जो लोगों के द्वारा चुना गया है, ठीक है, और लोग जिसे भी चूज कर रहे हैं, तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ऑप्शंस अवेलेबल टू ऑल होना चाहिए। साथ ही साथ क्या कि जब अपनी पावर को एक्सरसाइज करे एक इलेक्टेड लीडर, तो ऐसा ना हो कि उसे जो लगे वो वैसा करे, ठीक है, सिटीजन्स राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करे, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये सिर्फ एक बोलते ना हिंट था चार फीचर्स का, चारों फीचर को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, ठीक है, चारों फीचर को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल है आप लोगों के लिए, बताओ जवाब दो इसका। अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स। हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देख ली, तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अब मुझे बताओ कि हु आर द पीपल, ए पोल आ गया भाई साहब, ठीक है, तो हु आर द पीपल, तो अब आगे जैसे देखिए, तो हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, ऑल ह्यूमन अराउंड द वर्ल्ड, ऑल द वोटर्स इन द कंट्री, ऑल सिटीजंस इंक्लूडिंग टेररिस्ट, नन ऑफ द अबव। इतने में तो बच्चों ने चैट में पूरा सब चीटिंग चैट कर दी। बताओ व्हाट डू यू गाइस थिंक, डेमोक्रेसी के डेफिनेशन से हमने स्टार्ट करा, तो यहां पे सवाल ये आ रहा है कि वोटर कौन होते हैं। वेरी गुड, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग राइट आंसर चैट में, क्योंकि राइट आंसर फ्लोट हो गया था। बी, ऑल द वोटर्स इन द कंट्री इज द राइट आंसर, परफेक्ट, ऑल द वोटर्स इन द कंट्री इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बढ़े तो चारों फीचर एक एक करके समझते हैं। पहला फीचर कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल,
ये पहला फीचर है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि पूरा चैप्टर कसा हुआ है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के फीचर्स, तो वो आपको व्हाट इज डेमोक्रेसी समझा देता है। तो डेफिनेशन क्लियर है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब बात ये आती है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, तो वो बाय द पीपल तो कौन होंगे, तो सारे वोटर्स होंगे, ठीक है। अब रूलर जो है तो वो इलेक्टेड होना चाहिए, वो कैसा भी निर्णय ले, नहीं, निर्णय लेने वाला व्यक्ति जो होगा वो जनता के द्वारा ही चुना होना चाहिए, ठीक है। तो पहला फीचर ही वो है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो कैसे भी इलेक्ट हो जाए क्या, तो वो दूसरे फीचर में पड़ेंगे, नहीं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लेकिन पहली प्रायर कंडीशन ये हो गई है कि दोज इलेक्टेड बाय द पीपल शुड टेक द फाइनल डिसीजंस। जैसे अगर आप देखेंगे, एक कहानी बताई गई है यहां पे कि पाकिस्तान में 1999 में एक मिलिट्री कू होता है, ठीक है, एक मिलिट्री जनरल थे परवेज मुशर्रफ, वो गवर्नमेंट की पावर अपने हाथ में ले लेते तख्ता पलट करके, ठीक है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट को हटा के जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 में पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। अब क्या होता है, 2002 में वो अपनी डेजिग्नेशन जो है ना, तो वो तो मिलिट्री जनरल है, लेकिन 2002 में वो अपनी डेजिग्नेशन को चेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब चुना किसी ने नहीं उन्हें, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बुलवा लिया और फिर क्या करवा लिया, एक रेफरेंडम करवा लिया। रेफरेंडम मतलब क्या होता है कि लोगों से एक ओपिनियन पोल लेना, जैसे पोल होता ना, तो ऐसा एक ओपिनियन पोल ले लेना, यस और नो में लोग बोलते हैं, ठीक है, यस और नो में लोग बोलते हैं कि हाँ हमें आप पसंद है या फिर आप नहीं पसंद है, हाँ आप प्रेसिडेंट नाम रख लो या ना रख लो। तो ऐसा कहा जाता है कि रेफरेंडम जो करवाया भी, ठीक है, जो एक ओपिनियन पोल लिया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने, वो भी क्या था, फर्जी था। और उस जैसे आप क्या देख रहे हैं, पहले तो तख्ता पलट करके मिलिट्री रेवोल्यूशन के थ्रू उन्होंने पावर अपने हाथ में ली, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया, 2002 में उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन को प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन बता दिया, झूठ मूठ का रेफरेंडम करवा लिया और अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया, ठीक। अब क्या हो रहा है, 2002 में पावर आने के बाद में, ठीक है, पावर तो पहले ही आ गई थी, खैर उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया और जिसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, प्रेसिडेंट को सारी पावर दे दी कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट मतलब कौन, खुद प्रेसिडेंट बन गए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि हाँ जो प्रेसिडेंट होगा देश का वो नेशनल और स्टेट असेंबलीज को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटा सकता है प्रेसिडेंट जो कि खुद इलेक्टेड ना हो, ठीक है। उसी के साथ साथ जो सिविलियन कैबिनेट था, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कैबिनेट था, उसके काम को सुपरवाइज करेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा डोमिनेटेड थी, अपने ही भाई बंधु के द्वारा डोमिनेटेड थी जनरल परवेज मुशर्रफ के, ठीक है। आफ्टर द लॉ वॉज पास्ड इलेक्शंस वर हेल्ड इन द असेंबलीज। और इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि अब सारी डिसीजन मेकिंग पावर प्रैक्टिकली किसके पास चले गई, एक ऐसे व्यक्ति के पास में जो कि इलेक्टेड नहीं था। तो अब वो बोल रहा है कि हमने तो इलेक्शन भी करवाया था, हमने इलेक्शन करवाया था और हम तो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान इज अ गुड डेमोक्रेसी। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ कि डेमोक्रेसी का एक फीचर ये भी होता है, इलेक्शन करवाना या फिर इन सारी चीजों से काम नहीं चलेगा, निर्णय जो व्यक्ति ले रहा है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसे लोगों ने चुना है। अगर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर ऐसे व्यक्ति के पास है जिन्हें लोगों ने नहीं चुना है, तो आप फिर इलेक्शन करवाओ, ठीक है, प्रसाद बंटवाओ, बताशे बंटवाओ, कुछ भी करो, आप डेमोक्रेसी नहीं कहलाओगे, समझ गए। तो ये पहला फीचर है, गॉट इट। अब हम क्वेश्चन अगर देखें तो एक तो सिंपल फीचर पूछेंगे तो एक लाइन ही ध्यान रखना है, लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया क्या कि वाई इलेक्शंस इन पाकिस्तान कैन नॉट बी सेट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, नहीं, या फिर ऐसा बनेगा कि ऑल दी व्हाट वर दी स्टेप्स टेकन बाय दी जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, एज ही टुक पावर इन हिज हैंड, तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहां पे पता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या कांड किए, ठीक है, वो आपको यहां पे ये पॉइंटर्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देयरफॉर देयर वाज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दैट हैड सम पावर बट द फाइनल पावर वाज अंडर द मिलिट्री एंड जनरल मुशर्रफ हु वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, देयरफॉर दिस इंस्टेंस इज नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का एक फीचर यह है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज क्या देखो, दूसरा फीचर, पहला फीचर समझ में आया, क्योंकि मैं थम्स अप डाउट लूंगा मैं आपके, पहले पूरे फीचर समझा दूं उसके बाद। दूसरा फीचर क्या है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि जो आज
पावर में है वो कल पावर से जा भी सके, और नए लोग जो आज पावर में नहीं है वो पावर में आ सके। और ये कब हो पाएगा? ये तभी पॉसिबल है जब जब आप क्या देख रहे हैं, जब आप ये देख रहे हैं कि चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट रूप में हो, जब पारदर्शिता रहे, ठीक है, जब फ्री एंड फेयरनेस हो इलेक्शन में, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। समझ गए? तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तो आपको वही चीज यहां पे समझना कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जो आज पावर में है वो कल पावर में ना रहे, या फिर जो आज पावर में है वो उनके हारने के कल बराबर चांस रहे। तभी क्या होगा? तभी आपको एक एक बोल सकते हैं ना, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चाइना का एक एग्जांपल दिया है और एक एग्जांपल इधर आएगा। ठीक है, चाइना का एग्जांपल और एक मेक्सिको का एग्जांपल दिया है। जैसे चाइना के एग्जांपल में क्या बताया गया है, चाइना में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं। वाह भाई, ठीक है, चिंगू चाइनीज लोग हर 5 साल में इलेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, कंट्री की पार्लियामेंट जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, क्वांगो रेन मिन दाइबाओ दुई, ठीक है, तो ये जो उनकी पार्लियामेंट है इसके लिए नाम सीधा नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोल दो। इस पार्लियामेंट में हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और चुनाव लड़ने से पहले कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है बिफोर कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं, 5 साल में हो रहे हैं बकायदा, लेकिन एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अप्रूवल के बिना आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। एक ही पार्टी है, या तो चुनाव ये जीतेगी या तो चुनाव यही जीतेगी, ऐसी स्थिति है। ठीक है, ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties अलाइड टू इट वर अलाउड टू द कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या फिर उसकी ही जो अलाइड पार्टीज है उनसे ही जो चुनाव लड़ेगा उसी को चुनाव लड़ने का हक है, बाकी नई पार्टी बना के आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अब आप बोलोगे कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन हो रहे सर यहाँ भी, तो चाइना को क्या हम एक डेमोक्रेसी कह लेंगे? नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि चाइना के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं है। समझे? चाइना के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं है। सेम केस मेक्सिको के साथ भी है कि मेक्सिको में भी क्या होता है, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, 1930 में आजादी मिल गई थी मेक्सिको को, बधाई हो, तब से ही मेक्सिको में क्या हो रहा है, हर 6 साल में इलेक्शन हो रहा है भाई साहब वहां की पार्लियामेंट के लिए। बहुत बढ़िया, इलेक्शन हो रहे, ताली बजाओ। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि 2000 तक, 1930 से 2070 साल तक हर इलेक्शन जो है वो पीआरआई के द्वारा, इंस्टीट्यूशनली इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये पीआरआई पार्टी जो है इसके द्वारा ये हर साल चुनाव इसी पार्टी के द्वारा जीते जाते हैं। 70 साल से चुनाव यही पार्टी जीत रही थी। तो आप बोल सकते हो सर हो सकता है पॉपुलर पार्टी हो। हमारे देश में भी 1947 से 1977 तक कांग्रेस का मतलब 30 साल तक कांग्रेस ही रही गवर्नमेंट में, कांग्रेस 3 साल तक लगातार गवर्नमेंट में रही नेशनल लेवल पे। तो क्या कांग्रेस ने मलाफाइड इंटेंशन से या फिर कह सकते हैं कि बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते? नहीं, फ्री एंड फेयर तरीके से जीत रही थी। तो ये भी पॉपुलर पार्टी हो सकती है, चलो मान लिया पॉपुलर पार्टी हो सकती है। लेकिन आपको बाद में क्या पता चलता है कि पीआरआई जो 70 साल से चुनाव जीत रही थी ना, चुनाव करवा रही है, लेकिन पीआरआई पार्टी जो है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी इज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स। डर्टी ट्रिक्स में ऐसा नहीं कि कीचड़ के हाथ लगा दिए दाग अच्छे, मतलब वोट खरीद लेते थे, टीचर्स जो थे तो बच्चों को बोलते थे कि तुम्हारे पेरेंट्स से बोलो इनको वोट दें। ठीक है, कैंडिडेट्स को रेस से बाहर निकालने के लिए लास्ट समय पे वोटिंग बूथ चेंज कर देते थे। तो ये इस तरह की हरकतें करा करते थे। ठीक है, इस तरह की हरकतें क्या करते थे। तो अब आपने दोनों एग्जाम्पल पढ़ लिए, ठीक है, चाइना का भी मेक्सिको का भी। अब सवाल पूछा जाए आपसे, व्हाई इलेक्शंस इन मेक्सिको कैन नॉट बी सेड टू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? ठीक है, why the elections in China cannot be called democratic elections? तो आपको समझ में आएगा कि elections करवा लेना काफी नहीं है, पढ़ लेना काफी नहीं है, सही तरीके से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना कि आप किताब खोल के बैठे हो तो आपका ध्यान भी किताब में है। ठीक है, सामने किताब खोलिए, बीच में मोबाइल रख लिया, भक्का भूर रील घुमाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि elections करवा लेने से डेमोक्रेसी नहीं बन जाओगे। elections फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जिससे आज जो पावर में है कल उनके हारने के भी चांसेस उतने ही रहे जितने जीतने के रहे। ठीक है, तो ये सेकंड फीचर हो गया। अब आ जाओ थर्ड फीचर, एनालाइज कर लिया इसको। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि दीज इलेक्शंस आर नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो दूसरा फीचर वहां से निकल के आया, थर्ड फीचर पढ़ेंगे। थर्ड फीचर से पहले एक पोल आएगा, थर्ड फीचर से पहले एक पोल आएगा, बताओ। ठीक है, बताओ, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होना चाहिए।
ठीक है बताओ, व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम हुम? जिम्बाब्वे को आजादी किससे मिली और कब मिली, मतलब कब मिली और किससे मिली? जिम्बाब्वे एक कंट्री है अफ्रीका का जिसे आजादी बहुत रिसेंटली मिली है, ठीक है, और उस आजादी में एक लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, उनका बहुत महत्वपूर्ण, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब जैसे हमारे यहाँ जो हमारे नेशनलिस्ट थे, फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, ठीक है, तो उसी तरह का उनका भी स्ट्रेटर था रॉबर्ट मुगाबे का, ठीक है। कब जीती भैया, पोल में फटाफट दो आंसर, और मुझे लग रहा है कि सब गड़बड़ दे रहे हैं। 3 फटाफट, ठीक है, 2। चैट में इधर आओ, मुझे अगर किसी दिन कोई बच्चा पकड़ में आ गया ना कि चैट में आंसर लिख रहा है और तुम बाहर मिल गए, तो मैं पहले तो पीछे तुम्हें 2 गुंदे लगाऊंगा पीठ पे जोर से। जब पोल आता है तो चैट में आंसर क्यों देते हो? ठीक है, डी इज द राइट आंसर। 1980 में व्हाइट माइनॉरिटी रूल से आजादी मिली जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे की भी कहानी पढ़ रहे थर्ड फीचर के साथ में, थर्ड फीचर हाजिर हो। थर्ड फीचर क्या कहता है, देखो थर्ड फीचर ये है कि इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव, आगे पढ़ेंगे भी जिम्बाब्वे की कहानी, इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पहला फीचर कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, पाकिस्तान की कहानी समझी। दूसरा फीचर कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो हो रहे हैं तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, वेयर दोज हु आर करंटली इन पावर शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, ठीक है, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। चाइना मेक्सिको का केस पड़ा, ठीक है। तीसरा फीचर जो है वो क्या कह रहा है कि इलेक्शन तो करवा रहे हो आप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी करवा रहे हो, लेकिन जो इलेक्शन में वोट देने आ रहे हैं ना, तो सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार होना चाहिए। Each vote should have 1 value, ठीक है, क्या है कि each people should have 1 vote and each vote must have 1 value। ये चीज ध्यान रखना होगा डेमोक्रेसी में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना होगा डेमोक्रेसी में। तो जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए कुछ कि सऊदी अरेबिया में इलेक्शन होते लेकिन वुमेन को पहले वोटिंग राइट नहीं थे, अब है, पहले वोटिंग राइट नहीं थे वुमेन को, ठीक है। फिर क्या है, एस्टोनिया जो है तो एस्टोनिया में सिटीजनशिप, एस्टोनिया एक कंट्री है रशिया के बाजू में, वहां पे सिटीजनशिप रूल ऐसे है कि पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, तो जो रशियन माइनॉरिटी एस्टोनिया में रह रही थी ना, तो उनको वोटिंग राइट मिलना बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो यहाँ पे भी क्या, 1 वोट 1 वैल्यू वाला प्रिंसिपल नहीं है। सिमिलरली आप फिजी में देखेंगे, फिजी एक आइलैंड कंट्रीज है, और उस आइलैंड कंट्री पे क्या है, वहां पे इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि जो इंडिजीनियस फिजी है, मतलब जो वहीं के मूल निवासी है, उन मूल निवासियों का वोट वैल्यू ज्यादा है देन दैट ऑफ इंडियन फिजियंस। इंडियंस हर जगह पहुंच जाते हैं सर, ठीक है, इंडियन फिजियंस मतलब क्या है कि वो आइलैंड पे जब प्लांटेशन फार्मिंग के लिए इंडिया से लोगों को एंडेंचर्ड लेबर बना बना के ले जाया गया था, तो लेबर बना के जब ले गए थे तो कुछ लोग वहीं रह गए थे, ठीक है, तो वो इंडियन फिजियंस कहलाए कि इंडियन थे लेकिन फिजी में जाके बस गए, लेबर बन गए। तो इंडियन फिजियंस का वोट कम है फिजी में व्हेन कंपेयर्ड विद द इंडिजीनियस फिजियंस, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमें ये दर्शाते हैं क्या कि दीज 3 एग्जाम्पल्स और दीज 3 इंस्टांसेस, ठीक है These 3 instances shows us that क्या हो रहा है, क्या आपको देखने को मिल रहा है 3 instances से कि each adult should have 1 vote and 1 vote should have 1 value. This is missing from here. ठीक है, equal value नहीं है vote की, तो इसी के चलते हम क्या देख रहे हैं, इसी के चलते हम ये देख रहे हैं कि this is not a feature, मतलब this is not a democratic country. These are not the democratic countries. This is not the feature of a democracy. Democracy का feature तो ये कहता है कि each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value. समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं अगली कहानी क्या है। तो अगली कहानी ये रही क्या कि चौथा फीचर जो है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, चलो एक एग्जांपल देता हूं, जिम्बाब्वे का भी केस पूछा था ना मैंने आपको, जिम्बाब्वे की कहानी बताता हूं मैं आपको। 1980 में आजादी मिली, व्हाइट माइनॉरिटी रूल था, उनसे आजादी मिल गई, जो अफ्रीका के नेटिव्स थे, ठीक है, ब्लैक रेस के लोग, उन लोगों के पास में पावर आ गई। रॉबर्ट मुगाबे उनके लीडर थे, रॉबर्ट मुगाबे मतलब एक तरह से उनके दिलों के राजा थे, क्योंकि उन्होंने उनका आजादी दिलवाई थी। तो रॉबर्ट मुगाबे ने फिर चुनाव होते रॉबर्ट मुगाबे जीतते भी प्रचंड बहुमत के साथ में, और वो पावर में भी आ जाते, सबको इक्वल वोटिंग राइट था। तो इलेक्टेड लीडर डिसीजन ले रहा है,
इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हुए, इक्वल वोटिंग राइट थे, सर ये तो पक्का डेमोक्रेसी है ना। तो ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे तो डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्शन हो जाने तक काम सीमित नहीं होता है, इलेक्शन के बाद भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो रूल करती विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब कि संविधान सबसे ऊपर है, लीडर ऊपर नहीं है। आज भी आप देखोगे तो हमारे देश में कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है तो देश है। अगर लीडर को ऊपर कर दोगे तो लीडर अपने हिसाब से कुछ भी लॉ बनाएगा, बोल देगा मैं तो लॉ बना के काम चल रहा हूं। लीडर ये बोल देगा कि लाल शर्ट पहन के जो लोग निकल रहे हैं वो रोड पे नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता है। लॉ ऊपर होना चाहिए, लीडर्स नीचे होना चाहिए। तो चौथा फीचर डेमोक्रेसी का यही कहता है क्या कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स। तो जो नागरिकों के अधिकार है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के हिसाब से काम चलना चाहिए, ना कि राजा लीडर अपने हिसाब से काम चलाए। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे ने आजादी पाई 1980 में, तब से ही कंट्री जो है तो एक पार्टी के द्वारा रूल की जा रही थी। उस पार्टी का नाम है जानू पीएफ, पार्टी का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जानू पीएफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने देश को आजादी दिलवाई। उसके पॉपुलर लीडर थे फ्रीडम स्ट्रगल में रॉबर्ट मुगाबे ने लीड किया, रॉबर्ट मुगाबे वहां के हीरो। ठीक है, अब लेकिन क्या हो गया कि रॉबर्ट मुगाबे पावर में आने के बाद में सिंस देन द इलेक्शंस हैड हेल्ड एट रेगुलर पेस एंड वॉन बाय जानू पीएफ। तो तब से इलेक्शन होते और हर बार इलेक्शन जानू पीएफ पार्टी जीत रही है, जीतेगी सर, पॉपुलर लीडर थे। लेकिन अब आपको एक चीज समझना होगा, क्या कि वो जो इलेक्शन बार बार पार्टी जीत रही थी, एक बार तो प्यार में जीती, दूसरी बार लोगों को मार मार के जीती, कैसे? तो प्रेसिडेंट मुगाबे जो है वो पॉपुलर थे, लेकिन साथ ही साथ वो अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करने लगे आगे इलेक्शन जीतने के लिए। देखो एक चीज बताता हूं, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, तो जब एक बार पावर हाथ आती है ना आदमी की, तो आदमी फिर चाहता है कि वो बोलते ना सत्ता के मद में चूर हो जाता है, तो वो पावर आने के बाद में इंसान यह चाहता है कि वो अपनी पावर को बनाए रखे, और उस पावर को बनाए रखने के लिए वो हर हद तक जाने की कोशिश करता है। वो यहां भी हुआ, रॉबर्ट मुगाबे जो है, रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, रॉबर्ट मुगाबे ने एक तरह से पॉपुलर थे, लोगों के सपोर्ट से जीत के आए, पावर में आ गए, पावर में तो व्यक्ति आ गया, पॉपुलर सपोर्ट से आया, लेकिन वो पावर का नशा ऐसा होता है कि वो एक बार चढ़ गया तो उसको चलाए रखने के लिए वो फिर अनफेयर मींस का भी इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, ओवर द इयर्स उनकी जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार बदल देती थी, मतलब लॉ ऑफ द लैंड ऊपर नहीं है, लीडर ऊपर हो गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल के बोल देता है कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, उन्होंने मीडिया अपने कंट्रोल में कर लिए, कोर्ट के ऑर्डर्स को रिपील कर देते थे। इस तरह से रॉबर्ट मुगाबे क्या होने लगे, रॉबर्ट मुगाबे अहम ब्रह्मास्मि बोलने लगे कि मैं ही भगवान हूं उस टाइप से। ठीक है, तो द अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड, देयर मीटिंग्स वर डिसरप्टेड, पब्लिक डेमोंस्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर इललीगल, इस तरह का सिस्टम बना दिया गया। तो अब यहां देखो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड लीडर डिसीजन ले रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज को हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होगी जो रूल कर रही है विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, सिटीजन के राइट्स की और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की रिस्पेक्ट की जा रही हो, समझ गए? तो टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी विजन, देयर आर नो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हैरास जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट देम। तो इस तरह से पूरा नकल टाइट करके रखी थी किसने, रॉबर्ट मुगाबे ने। तो ये भी एक नॉन डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन तो ये बोलती है क्या कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होगी जो रूल करेगी विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। आ जाओ तो इसको, हाँ पोल बनाओ तुम, जब तक सवाल नहीं देते, सवाल तभी देंगे जब पोल रेडी हो जाएगा ताकि तुरंत आंसर दे पाए ये लोग, है ना। अब आ जाओ मेरे साथ, एक चीज मन से जुड़े ना, रिकॉल करेंगे एक चीज, फिर मैं डाउट लेता हूं आपके। हमने कितना पढ़ लिया, चैप्टर का एक पार्ट पढ़ लिया, व्हाट इज डेमोक्रेसी वाला पार्ट। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी में क्या पढ़ा हमने, देखा डेमोक्रेसी क्या है, रिकॉल करो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, रिकॉल करो। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सिर्फ रूलर इलेक्ट कर लेने से काम चल जाएगा कि नहीं, चार फीचर्स हैं। क्या है कि दोज इलेक्टेड बाय द पीपल शुड टेक द फाइनल डिसीजन, पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल। फिर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो इलेक्शन की बात निकल के आ रही है,
कि इलेक्शन जो होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, दूसरा फीचर, जहां पे ऑल दोज हु आर करेंटली इन पावर शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है, तो कौन है करेंटली पावर में, उनके हारने की भी चांसेस हो। मेक्सिको और चाइना के एग्जांपल्स देखा कि वहां पे ऐसा नहीं था, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे। फिर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है तो साथ ही साथ वोटर्स को इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, वन पर्सन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो उसमें हमने क्या देखा, ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया, फिजी और एस्टोनिया में इक्वल वोटिंग राइट नहीं है। और चौथा फीचर जिम्बाब्वे की कहानी से हमने देखा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड रूल विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एंड सिटीजंस राइट्स। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान है, यहां तक पोल आ गया, ये लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लो, अब डाउट भी पूछ लो, फिर इसके बाद में हम चैप्टर के दूसरे पार्ट पे व्हाई डेमोक्रेसी पे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम चैप्टर के दूसरे पार्ट पे चलेंगे। मजा आ रहा है, रिकॉल हो गया पूरा, बताओ, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो अब व्हाई डेमोक्रेसी में मैंने बताया कि व्हाई दिस कार, तो उस कार के पॉजिटिव और उस कार के नेगेटिव दोनों देखोगे आप। कल मेरा एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, बताओ। 64% बच्चों ने सही आंसर दिया है। देखो कि ये डेमोक्रेसी का क्या है, डिसएडवांटेज है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले बिकॉज देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। असर्शन सही है कि डेमोक्रेसी का एक नेगेटिव एडवांटेज है ये, सबको जीतना है और सबको जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, चलो ए लकी लकी पढ़ लो, आधे बच्चों को देखता हूं मैं कि क्लास में पढ़ाई के अलावा सब चल रहा है। हाँ, यहां तक क्लियर है, फिर सेकंड पार्ट पे चलें चैप्टर के। जानू पीएफ का फुल फॉर्म तो नहीं पता यार, जानू पीएफ ही बोल दो ना। पूल बंद हो गया, हाँ पूल में नहीं नहाना बच्चे, सर्दी हो जाएगी, पूल नहीं होता है, पोल होता है, स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। ठीक है, पूल बंद हो गया बाबू, पूल इसलिए बंद हो गया क्योंकि अब आंसर हमने बता दिया आपको। आगे बढ़ेंगे, अब व्हाई डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। व्हाई डेमोक्रेसी बड़ा सिंपल टॉपिक है, हाँ, कि आपको बस ये देखना है कि डेमोक्रेसी क्यों, तो उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव देख लो। पूल नाजी कब होगा, नाजी भी करेंगे, नाजी वाला, नाजीजम वाला चैप्टर आएगा, इस 10 दिन वाले चैलेंज में नहीं है। अरे यार सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी आलेख, टेलीग्राम पे पीडीएफ डालना भूल गया, वो बैक टू बैक क्लास में कुछ ना कुछ चीजें स्किप हो ही जाती, इतना सारा चलता है। इस क्लास के बाद मैं तुरंत डालता हूँ, रुको एक मिनट रुक जाओ यार, ये लो इतनी सी बात इसके पहले कि मैं भूलूं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारे टीम डीएसआर, देखो अभी तुरंत वहां पे आएगा पीडीएफ फाइल, इंटरनल सब अपने हाथ में, अब पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पावर शेयरिंग का पीडीएफ गया, ठीक है दिखा, और दूसरा ये व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी भी लो, ठीक है दिखा, और तीसरा मैं दिखा देता हूं तुम्हें, रुको क्या कि हम ये टेलीग्राम पे लाइव हो जाते हैं, तो नहीं लाइव नहीं होते, मतलब वीडियो बता देते हैं कि ये हमारी क्लास चल रही है और इस चलती क्लास में मैंने आपको दो पीडीएफ दिए हैं, उन पीडीएफ को देखो। तो आज के क्या थे वो पीडीएफ, आज के सेशन का पूरा नोट्स है। ठीक है, एंजॉय, अभी क्लास 9th की क्लास में हम लोग, ठीक है और बताओ, हिला डाला ना। ठीक है, आगे शुरू करें, तो वाई डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। ठीक है, तुरंत सुनवाई हुई है, सर भूल गए लॉल, हे लॉल। अच्छा, तो वाई डेमोक्रेसी पे बात करते हैं, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, देखो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और आर्ग्यूमेंट फॉर, सुनो अलर्ट, क्वेश्चन यही बनता है आपका, क्या क्वेश्चन बनता है कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या क्या है और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी क्या क्या है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में मतलब क्या है कि नेगेटिव एडवांटेज, या फिर देखो व्हाट आर दी डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर दी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, व्हाट आर दी डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी।
सवाल बहुरूपिया होगा, वो किसी भी सेंस में आ जाए, आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। तो डिसएडवांटेज डीमेरिट या आर्गुमेंट अगेंस्ट की बात करें तो पहला क्या है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। बार बार लीडर बदलते हैं तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है डेमोक्रेसी में। ये एक नाकामयाबी है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी में हर पांच साल में आदमी सरकार में आता है ये सोच के कि पांच साल में जितना पैसा छापना है छाप लो, अगले पांच साल में कोई और आ जाएगा, अपने को तो अपनी जेब भरना है। ठीक है, तो ये लीडर कीप्स चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस इज वन ऑफ द आर्गुमेंट अगेंस्ट। दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। अब भी असर्च रीजन देखा कि डेमोक्रेसी सबको जीतना है, अब डेमोक्रेसी में सब भूखे भेड़ियों की तरह क्या लगे हुए कि वोट चाहिए जीतना है। ठीक है, तो मोरालिटी की स्कोप कहीं नहीं रह जाती है। देखो पता, मैं एक दिन यही सोच रहा था कि व्यक्ति कुछ भी काम करे, हर काम में एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में किसी भी काम को करते समय एथिक्स नहीं है तो आप उस काम को मत करो, फॉर गॉड सेक उस काम को करना बंद करो, बैठ के आप कहीं पर तगारी उठा लो, वो बढ़िया काम हो जाएगा, लेकिन आप उस काम को मत करो। क्योंकि आप जब कोई काम करते हो तो उस काम के साथ में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, वो जिम्मेदारियां आती हैं तो उस जिम्मेदारी में क्या सही क्या गलत कोर में आप जानते हो वो सिर्फ, ठीक है, आपके अलावा और कोई नहीं जानता है। तो आप दूसरों को मूर्ख बहुत आसानी से बना सकते हो, खुद को नहीं बना सकते ना। तो वहां पे आदमी के लिए एथिक्स होना बहुत जरूरी है। वही चीज पॉलिटिक्स में भी है कि पॉलिटिक्स में अब सबको जीतना है, जीतना सबको है, लेकिन जीतने के लिए सही तरीके का इस्तेमाल करके अगर आदमी जीते तो उसकी जीत उसको रात में सोने देगी। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है कि जीतने के लिए फिर कुछ भी करता है इंसान, तो वहां पे स्कोप फॉर मोरालिटी नहीं रह जाती है। ये एक डीमेरिट हो गया, ये एक डीमेरिट हो गया। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। डेमोक्रेसी का अगला डिसएडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों से आपको कंसल्ट करना पड़ता है। वो जामुन का पेड़ वाला पार्ट कितने बच्चों को ध्यान है, हिंदी की किताब में पढ़ा था कि क्या एक व्यक्ति के ऊपर वो जामुन का पेड़ गिर जाता है, फिर फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट, तीसरे डिपार्टमेंट से चौथे डिपार्टमेंट घूमती रहती है। ध्यान है वो जामुन का पेड़ वाली कहानी, एक बचपन में हिंदी में पढ़ी थी। ठीक है, तो वो वही है कि डेमोक्रेसी में यही होता है, एक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वो घूमती रहती है चीजें। ठीक है, तो इस कारण से डिलेज होते हैं डेमोक्रेसी में। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या है कि आपने लीडर्स को चूज कर लिया, अब क्या मतलब क्या गारंटी है कि वो लीडर्स जिन्हें आपने चूज किया है, आपने किसी को चूज किया और वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर बन गए, अब उनके बाप दादा कभी नहीं गए खेत में, उन्हें पता ही नहीं है कि खेत में क्या बोया जाता है क्या काटा जाता है, लेकिन बन गए एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, तो कहने को तो डेमोक्रेसी है, इलेक्टेड लीडर है, लेकिन इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर द पीपल। ठीक है, तो इट मे लीड टू बैड डिसीजंस। तो डेमोक्रेसी का एक डिसएडवांटेज ये भी है। ठीक है, आगे बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी से करप्शन होता है, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन बेस्ड है। ठीक है, और सबको जीतना है तो वही है कि रिश्वत दे के काम चल जाता है। और एक और पॉइंट है, ये अलग यहाँ आया नहीं, छोटा इसके लिए यहाँ कर दिया, क्या कि डेमोक्रेसी में ऑर्डिनरी पीपल आर गिवन दी पावर, क्या कि जनता जिसको तिलक लगा दे वो बन जाएगा महाराज। ठीक, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की एक समस्या ये भी है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऑर्डिनरी पीपल ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस, डायरेक्ट पॉइंट है, दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस, ये डायरेक्ट पॉइंट हो गए। अब अगर हम बात करें किस चीज की, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी, तो आपने देख लिया डेमोक्रेसी व्हाई नॉट डेमोक्रेसी, मतलब व्हाई वी शुड नॉट हैव डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ये प्रूव करते हैं कि डेमोक्रेसी में समस्याएं हैं, पर समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करेंगे, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला पॉइंट, क्यों? क्योंकि जैसे चाइना में भी फेमाइन आया था, इंडिया में भी फेमाइन आया था 1950s के टाइम पीरियड में, उस फेमाइन से लेकिन इंडिया में मृत्यु कम हुई, चाइना में मृत्यु ज्यादा हुई। हाँ सर, चाइनीज लोग कमजोर है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, मर जाएंगे जल्दी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, पॉइंट क्या है कि चाइना में ज्यादा मृत्यु इसलिए क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने उतना एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करा था, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, मर रहे हैं मरने दो। लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट को ऐसा था कि चार लोग भी मरेंगे तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। इंडिया में गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लगाए कि फेमाइन का इफेक्ट जो है लोगों के ऊपर ज्यादा हार्श ना हो। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि
आप जवाबदेही फिक्स कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो. तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगला, दस, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी में डिलेज जरूर होते होंगे लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर चीज को डिबेट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, एक दूसरे पर कुर्सियां तक चला देते हैं पार्लियामेंट में लोग. ठीक है, मतलब अब इतना डिबेट डिस्कशन होता है तो इससे होता क्या कि डिले होगा लेकिन जो डिसीजन लिया जाएगा बहुत क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव डिसीजन निकल के आता है. तो ये एडवांटेज है. तीसरा, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. डेमोक्रेसी से ये आपको एक मौका मिलता है कि आप अलग अलग डिफरेंसेस जो है लोगों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको अकोमोडेट कर सको. जैसे जहां डेमोक्रेसी नहीं होगी वहां क्या होगा ना, जो मेजोरिटी चाहेंगी वो मेजोरिटी उस हिसाब से लोगों को रौंद देगी. ठीक है, मेजोरिटी अपना हुक्म चलाएगी. लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है. मेजोरिटी माइनॉरिटी, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति के लोग, सभी लोग एक साथ रहेंगे. डेमोक्रेसी में एटलीस्ट आपके पास में वो स्कोप रहेगा कि आप अकोमोडेट करने की सोचो. नॉन डेमोक्रेसीज में जैसे हिटलर था, हिटलर ने सारे ज्यूज को मरवा दिया. समझ में आया? तो डेमोक्रेसी आपको प्रोवाइड करता है फॉर दी प्रोवाइड्स यू दी मेथड्स टू डील विद दी डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. चौथा, डेमोक्रेसी एनहांसेस दी डिग्निटी ऑफ सिटीजंस. डेमोक्रेसी सिटीजंस की डिग्निटी को एनहांस करता है. कैसे? कि डेमोक्रेसी में हो सकता है डिलेज हो, डेमोक्रेसी में हो सकता है करप्शन हो, डेमोक्रेसी में हो सकता है कि क्या मोरलिटी के लिए स्कोप ना हो, लेकिन डेमोक्रेसी में एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक अमीर से अमीर व्यक्ति, सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है, सब सरकार के सामने मतलब सब कानून के सामने उतने ही बराबर है. आइडियली, प्रैक्टिकली तो आप जानते ही हैं, ठीक है, क्या है कि जन्नत की हकीकत हमें मालूम है गालिब, मगर मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है. तो वैसे ही, खैर, ऑन पेपर इन थ्योरी तो सब बराबर है. ठीक है, तो इसी के चलते क्या कि डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल सिटीजन्स की डिग्निटी को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो ये डेमोक्रेसी का फायदा है, ये डेमोक्रेसी का एडवांटेज है. साथ ही साथ लास्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो है वो क्या है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स. कैसे? क्या आपने किसी एक सरकार को चुन के आपने आपको बाद में फील होता कि गलती कर दी, क्यों बड़ा दुख दे रही है. अगर ऐसी सरकार है जिसे आपने चुन लिया, चुनने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि बहुत दुख दे रही है, तब आप क्या कर सकते हो पता है? तब आप एक डेमोक्रेसी के अंदर उस सरकार को हटा भी सकते हो. आपको एहसास हो आपने गलती करी तो आप अपनी गलती सुधार सकते हो, अगले चुनाव में उन्हें मत चुनना. समझे? तो ये पॉइंट है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि इट अलाउज अस टू करेक्ट अवर ओन मिस्टेक. ये सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है कि अगर आपको एहसास हुआ कि 5 साल पहले आपने गलती कर दी थी तो अब उस गलती को सुधारो, उस गलती को सुधार सकते हो, अगली बार उस सरकार को मत चुनो. तो दिस इज द प्रोविजन विच एम्पावर्स यू इन अ डेमोक्रेसी. कि डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेसी का आर्ग्यूमेंट ये है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट अवर ओन मिस्टेक्स. हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं कर सकते हो आप. समझ में आया? तो व्हाई डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी. और इससे आपको समझ में आ गया, इससे आपको क्लियर कट तरीके से समझ में आ गया. क्या समझ में आ गया? कि क्यों डेमोक्रेसी जरूरी है. अब प्लस भी बता दिया, माइनस भी बता दिया. समझ में आया यहां तक? तो यहां तक अगर चीजें समझ में आई है तो अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. एंड हियर इज द पोल. बताओ, 5 साल में चाहे बंदा मर जाए, है ना, अपनी अगर तुमने गलत सरकार चुनी तो 5 साल सहना भी तो पड़ेगा. तुम्हें ही शौक था ना, तो वो तो पश्चाताप है तुम्हारे गलत निर्णय का. समझे? इलेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, तो वी कैन नॉट हैव इलेक्शंस ऑन वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस. इसीलिए आप देखोगे कि अभी करंट में डिबेट चल रही है वन इलेक्शन वन नेशन वाली, है ना. क्या सोशल ब्रेन्स पर भी क्लासेस आया करेगी? क्यों नहीं आएगी? आई रही है. मैंने आज एक वीडियो दिया बहुत अच्छा, इंडिया वर्सेस भारत वाली जो डिबेट चल रही है, देखा वो वीडियो? देखो, जाके देखो, दौड़ के जाओ, देख के आओ. ठीक है, तो ये लिंक काई की दी आपने, कल का जो लाइव है, कल हमारा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वाला चैप्टर होगा रिविजन. हाँ, लिंक अगर आपको उड़ती हुई कहीं चैट में दिख रही है तो समझ लेना कि कल के लाइव किए हो. टेलीग्राम की लिंक पिन कर दी है, सोशल ब्रेन चैनल की लिंक भी फेंक के मारी जाए बच्चों को. ठीक है, तो सोशल ब्रेन चैनल जो है हमारा, उस पे भी आपको क्या मिलेंगे,
उस पे भी आपको बहुत सारे अच्छा कंटेंट, जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हैं, करंट अफेयर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी हमारा चैनल है, वो हमारा सपना है यार। तो अभी तो ये जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, फिर सोशल ब्रेन हमारा सपना है, सपने को जिएंगे, पहले जिम्मेदारियां खत्म की जाए, समझ गए। 100 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो लेट अस ट्राई कि उसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। 100 के होंगे तब 200 के पे जाएंगे, ठीक है। लिंक आई सोशल ब्रेन की, आ रही है रास्ते में, आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इस पोल का आंसर देखो क्या है, टीचर टू स्टूडेंट, वाह वाह, ठीक है, टीचर टू स्टूडेंट, जोक नहीं चल रहा है कोई, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब माय कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चंस इन क्लासरूम, अगर मैं ऐसा बोलूं तुमसे, सवाल क्यों पूछ रहे हो, डोंट डिस्टर्ब माय कंसंट्रेशन बाय आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, तो क्या होगा, फिर आप नीचे लिखोगे इस जोक में, पर मैं तो आपकी क्लास में सवाल पूछने ही आया था, ठीक है, तो समझ रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया। तो इस तरह के स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ही खत्म कर दिया, इस तरह का स्टेटमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है, कतई नहीं है, एकेडमिक भी नहीं है, नॉन ऑफ द अबव भी नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है, जहां आपको तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, जहां आपको तो बोलने नहीं जा रहा। गले को क्या हो गया, गला अभी थोड़ा सा, मतलब गला साथ चलने को मना बोल रहा था, तो मैंने खींच के लाया, उसके लिए बैठ गया वो, ठीक है, अभी एक दो दिन में सही हो जाएगा। तो नॉन डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट होता है ये। चलो लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक हमने जो पढ़ा, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी बेसिक अबाउट डेमोक्रेसी, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा, तो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी बेसिक अबाउट डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, दिस वाज समथिंग टू स्टार्ट विथ। लेकिन अगर आप जैसे देखोगे ना, तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एक लीडर होगा जो इलेक्टेड होगा, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे, सबको वोटिंग राइट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेगा, वाह भाई डेमोक्रेसी, नहीं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड मोर देन दिस इट इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप अपने परिवार में अपने बेटों की बात सुन रहे हैं, बेटियों की बात नहीं सुन रहे, तो हम क्या बोलते हैं कि दिस फैमिली इज नॉट डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, वो जीवन जीने का एक तरीका है, जहां पे समाज, जहां पे इक्वालिटी, लिबर्टी, ठीक है, जस्टिस, पावर शेयरिंग, ऐसे ऐसे नोशंस जो है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मिलके डेमोक्रेसी बनाती है, ठीक है, ये सारी चीजें मिलके डेमोक्रेसी बनाती है। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करें, तो ब्रॉडली डेमोक्रेसी क्या दर्शाती है, तो आज के समय में वी आर लिविंग इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब कि अब हम वो ग्रीक्स की दुनिया में जी नहीं रहे, ठीक है, हम एथेंस के पुराने, आज से 1400 साल पुराने इतिहास में नहीं जी रहे, जहां क्या था, जहां जहां लोग डेली आते थे, डेली बैठते थे और डेली निर्णय लेते थे कि आज क्या काम करना है देश में, क्योंकि देश ही छोटा था, पॉपुलेशन भी 1-1.5 लाख लोगों की थी बस। लेकिन आज हम इतने बड़े देश में जी रहे हैं जहां 100 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, तब आप हर दिन आप जाके निर्णय नहीं ले सकते कि क्या निर्णय लेना है, तो आप क्या करते हो, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हो और रिप्रेजेंटेटिव को पहुंचाते कि जाओ बेटा निर्णय लेके आओ हमारे बेसिस पे, ठीक है, आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जैसे अगर आप देखोगे, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का समय आज, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि वी आर इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव्स और रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप जैसे देखोगे कि क्यों रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है आज के समय में, तो उसके दो कारण है। पहली चीज कि आज के समय में इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि ऑल द पीपल कम टुगेदर टू टेक द डिसीजन, दिल्ली जाम हो जाएगी अगर पूरी देश की जनता उठ के दिल्ली जाने लगी तो, ठीक है, तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे लोग निर्णय में पार्टिसिपेट कर पाए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर सारे लोग चले भी जाएंगे, तो सबके पास इतना नॉलेज, स्किल और टाइम भी नहीं है कि सारे लोग निर्णय ले पाए। तो इसके लिए वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। वो फिर जैसे अगर आप देखेंगे, तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ये कहता है कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लिया। दूसरी चीज ये है कि डेमोक्रेसी को हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखें, रादर देन एन गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बताया ना कि डेमोक्रेसी सिर्फ ऐसा नहीं कि चुनाव करवा दिया, इलेक्शन हो गए और वो इलेक्टेड लीडर जो है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर काम कर रहा है। डेमोक्रेसी एक अपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। जैसे जैसे यहां पे बताया गया कि एक डेमोक्रेटिक डिसीजन हमेशा ये होता है जहां पे आप लोगों से कंसल्ट करो, ठीक है, कंसल्ट विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक परिवार में अगर
एक टीवी लाना है, तो ऐसा नहीं है कि पिताजी की और बेटे की सुनी जाएगी, मम्मी और बेटी की नहीं सुनी जाएगी। तो डेमोक्रेसी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन अ गवर्नमेंट, ठीक है? वो एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, समझ गए? ब्रॉडर मीनिंग वही बता रहा हूं मैं आपको कि डेमोक्रेसी को सिर्फ आप इलेक्शन तक सीमित मत रखो, उसको डेली लाइफ के इवेंट्स में देखा जाए, ठीक है? समटाइम वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप द आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम, ठीक है? डेमोक्रेसीज सिर्फ यहां तक नहीं होती कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, चाइना की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी से हमारा मतलब, डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग ये होता है जहां पे हम एक सरकार के लिए एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट करें। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, फेमाइन है, लोग मर रहे हैं, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट करते हैं, क्या? कि नो वन शुड गो टू बेड हंग्री, ठीक है? कोई भी भूखा, ठीक है? ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली वेर नो वन गोज हंग्री टू बेड। जब कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाए सोने, सर उसका उपवास है। अरे उपवास नहीं, पॉइंट ये है कि हर इंसान के पास में क्या हो, रोटी कपड़ा मकान हो, तो आइडियली ट्रू डेमोक्रेसी तब आएगी। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इंडिया में हर इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप ये देखोगे कि हम टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक अच्छी डेमोक्रेसी वो होगी जो कि इस स्टैंडर्ड को अचीव करेगी। ब्रॉड मीनिंग डेमोक्रेसी का सिर्फ इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं होगा, वो ये होगा कि वो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस करें, समझे? साथ ही साथ देखेंगे डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग हमें इस चीज में मदद करता है, इट अनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस, एट द सेम टाइम इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक अच्छी डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो हमें इस चीज में मदद करे, क्या? कि एक डेमोक्रेसी तो है, लेकिन एक डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी में जो गैप है ना, मतलब वही है कि गवर्नमेंट और गुड गवर्नमेंट, उन दोनों चीजों में फर्क है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में रूल कर रही है, सारा सब कुछ तो गवर्नमेंट बना दिया, लेकिन जो लोगों के दुख समझ के उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करे वो एक गुड गवर्नमेंट होगी। तो वैसे ही डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग ये बताता है कि हम उन आइडियल स्टैंडर्ड्स की मदद से एक अच्छी डेमोक्रेसी बनने का प्रयास करें। सो दिस इज द ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आपको यह समझना होगा कि अगर आपसे पूछा जाए तो वी ऑल आर एट अ लेवल वी आर qualifying the benchmark for a democracy, but no democracy is a perfect democracy. All the countries, all the democracies must strive to achieve that. कि एक perfect democracy क्या होगा? ये broader meaning of democracy है. Broader meaning of democracy वाला topic बहुत philosophical है. हो सकता है आपको ऐसा लगेगा, कैसा कि क्या पढ़ा दिया सर? तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ simple, उससे आपको ये topic recall होगा. Ninja technique समझा दिया मैंने, बहुत सारे बच्चों को सीधा सटीक समझ भी आ गया, लेकिन जिनको आंसर के हिसाब से समझना है तो ये समझो कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ये बोलती है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है? इट सेट आइडियल स्टैंडर्ड्स जिनकी मदद से हम क्या कर सके, उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के प्रयास करें ताकि एक डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी में डिफ्रेंशिएट किया जा सके। समझ गए? इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, यस परफेक्ट। तो इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त, आज के सारे टास्क हुए कंप्लीट, ठीक है? तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैंने चलती क्लास में ही दोनों पीडीएफ डाल दिए हैं, ठीक है? ठीक है, जिसमें मैंने चलती क्लास में ही दोनों पीडीएफ डाल दिए हैं। चलो आगे बढ़े, आ जाओ आप, किसी को कोई समस्या, दुख, दर्द, इन अ डेमोक्रेसी द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, गिव रीजन। सिंपल सी चीज है, दो रीजन बताए, क्या? कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देयरफॉर दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और दूसरा, अगर मान लो किसी तरह से सारे लोग आ भी गए ना, तो नॉट ऑल द पीपल हैव द टाइम एंड रिक्वायर्ड स्किल्स टू मेक डिसीजंस। समझ गए? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बताओ? किसी को कोई डाउट?
तो आज के सारे टास्क हुए कंप्लीट, ठीक है, हर हर महादेव। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी कंप्लीट हो गया। कल हम मिलेंगे 8:45 पे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के साथ, ठीक है। आई गेस 8:45 ही टाइम सही है, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जेन्युइन, क्या होता है ना, अब घुमा फिरा के बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। अनअकैडमी पे प्लस वाले जो मेरे बच्चे थे, ठीक है, तो अब मैं वहां क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, तो मेरा वहां पे टाइम 8:45 to 9:45 था, सो दैट उनका वो टाइम टेबल डिस्टर्ब ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी, और वीडियो तो रहेगा ही हमेशा ही, तो अब बाद में भी वीडियो देख सकते हो, तो हम उसको टाइम को 8:45 रखेंगे, ठीक है। गॉट इट। चलो, डिक्टेटरशिप मतलब जब एक व्यक्ति अपने हाथ में, सिंगल इंडिविजुअल अपने हाथ में पावर ले ले, नॉन डेमोक्रेटिक तरह से रूल करना चालू कर दे, तो वो डिक्टेटर कहलाता है। रूल बाय लॉ क्या होता है? रूल बाय लॉ मतलब कि कानून सबसे ऊपर, और उस कानून के हिसाब से देश में रूल चल रहा हो, ना कि नहीं नहीं एक देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कंफ्यूज मुझे कर दिया ना, एक होता है रूल ऑफ लॉ, एक होता है रूल बाय लॉ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि रूल ऑफ लॉ जो होता है ना, कि एक कानून है और उस कानून को सर्वोपरि माना जा रहा है, सबसे ऊपर वो है, फिर सारे लीडर्स वगैरह। तो रूल ऑफ लॉ में लॉ इज सुप्रीम। और रूल बाय लॉ क्या होता है पता है? रूल बाय लॉ में ऐसा है कि लॉ बना के रूल किया जाएगा, तो एक व्यक्ति होगा और वो व्यक्ति जो कानून बनाएगा वो सबसे ऊपर होगा, वो जो कानून बना दे कि लाल शर्ट पहन के जो व्यक्ति रोड पर निकलेगा उसको फांसी की सजा है, तो भैया उन्होंने लॉ ऐसा बना दिया, ही इज रूलिंग बाय लॉ, ठीक है, समझे? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल मिल रहे हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में, मजा आया? ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूं, ठीक है। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस नाउ, मतलब लेट अस एंड विद दिस नाउ, ठीक है। विल सी यू ऑल टुमारो, कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए किधर गया अपना पोस्टर, तो लेके आया अपन, हाँ ठीक है, कल मिल रहे हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ।